सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। सो आज हम आए अपने मम्मी पापा के घर, क्योंकि कुछ काम था हम लोगों को और वह हमारा काम हो गया है। और अभी बज रहा है मॉर्निंग के 10, तो हमने सोचा जब हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम यहाँ घूमने के लिए जाएं। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ, और वो छोटे से गाँव का नाम है चपराड़ा। तो देखते हैं चपराड़ा एक गांव है, और वहाँ पे जंगल है, संगम है नदी का, और वहाँ पे समवट नेशनल पार्क भी है। तो हमने सोचा चलो वहाँ पे जाके हम देख के आते हैं। तो आप भी इस ब्लॉग को एंजॉय करिए और देखिए हम आपको क्या क्या दिखा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, और अपनी चाय पी के अब हम निकलते हैं घूमने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। कड़क वाली चाय, क्योंकि मुझे कड़क वाली चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैं अब चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद हम निकलते हैं डायरेक्टली घूमने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। तो हम मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे खेला जा रहा है पत्ते, और मेरे पापा यहाँ पे जीत गए। पापा कितने बजे थे? पापा कितने बजे थे? पैसे तो खेलो ना, पैसे लो इनसे, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए की लगाओ। तुम अपनी दुकान लगाओ, पापा अपना घर लगाएंगे 50 लाख का। क्या पापा, गिरवी रखो, तुम अपना 50 लाख रखो, तुम अपनी दुकान रखो, और तुम अपना नेक्स्टा का शोरूम रखो। मस्त तो जीतेंगे, तिनक का गेट जीतेंगे। ए लड्डू, अरे हमारा लड्डू सो रहा है। यहाँ पे हमने अपना बॉटल वॉटल रख दिया है। हाँ पापा, हाँ वही प्लास्टिक वाला, यस 24 घंटा में ठंडा है। उसका पावरफुल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो ये लोग भी जा रहे हैं साथ पे, और यहाँ मैं भी जा रही हूँ। कुछ खाने के लिए, ये रहे हमारी गाड़ी। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं पेट्रोल, 1,000 और यहाँ पे हम 1,000 का पेट्रोल डाल रहे अपने गाड़ी पे। हाँ जी, ठंड लग रही है, कम बंद कर दे, बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं, बढ़ाओ मत, कम। अरे मतलब गरम करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। कुछ नहीं अच्छा लगता, तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं पुल में। वही कौन सी नदी है? वैनगंगा। वैनगंगा, तो ये वैनगंगा नदी यहाँ से जा रही है, और रास्ता अच्छा है। काफी अच्छा है रास्ता, काफी बहुत ही कष्टदायक है। धीरे धीरे हमें, देखो सेम वैसा है बना जैसे हमारे पटालम बना ना, नीचे वाला बंद होके ऊपर वाला बन रहा है। अभी मुझे लग रहा है ये बंद हो जाएगा, सेम दिख भी वैसी रहेगी, पटाला ही आ गए। नदी दिखा दो इनको, बाजू से ये देखिए पानी कम कम है, थोड़ा सा डूब नहीं सकते, बस बैठ के हम सीन पोज कर सकते हैं। बस काफी बड़ी है, अगर ये क्या समय बरसात के समय में तो पूरा डूब जाता है मुझे लग रहा है वाला, इसलिए तो ऊपर वाला बना रहे हैं। पानी है यार, काफी मस्त लग रहा है पानी देख के, बीच से लग रहा है। तो फोटो शूट के लिए बढ़िया लोकेशन है, प्री वेडिंग जा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम घर से सिर्फ चाय पी के आए थे, तो फिर सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। समोसा चाट तो यहाँ पे मैं बीच बैठ, चपराड़ा नाम है उसका, लेकिन जब से चीजा चपराह बोलने लगे हम चपराह ही बोलने लगे उसको, चपराला चपराला। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं चपराला, इसलिए चलो लो ना अंगूठा। चपराला वाइल्ड लाइफ, तेरा तो क्या फोटो ली रे, तू क्या आए है ना, कुछ भी नहीं निकाली इसने, वीडियो गए रे गधी। जंगल में रुके हुए हैं, सोचा थोड़ा सा यहाँ पे वीडियोस वगैरह हम बनाते हैं। सो देखिए कितना ज्यादा सुंदर सा यहाँ पे सीनिक व्यू है, देखिए यहाँ पे मैदान है सामने में खेलने के लिए, और जस्ट उसके सामने में ये घना जंगल, ये देखिए कितना अच्छा है। पीछे का बैकग्राउंड कितना क्यूट सा है, और
इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है यहाँ पे है, क्या ही बताए। देखिए ये देखिए, देखो पेड़े, देखो थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, ये देखिए मेरे पति ड्राइव कर रहे हैं और ये हम सब पीछे बैठे हुए हैं। आर यू गाइस एंजॉयिंग माय हस्बैंड ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग? बिल्कुल। आर यू एंजॉयिंग? यस, टू मच। एंड मी टू। स्टेटस लगा रहे हो? नेट है तुम्हारे पास? हाँ। अरे जियो चल रहा है, देखो चल रहा है पूरा डंडी है। जियो ही तो है, एक आते रहता बाहर में, जंगल जंगल में रहेगा लेकिन घर में नहीं रहेगा। इनके घर में तो कुछ नहीं चलता था, एयरटेल छोड़ के वो भी कभी कभी अटक जाता है एयरटेल। लेकिन आइडिया का चल रहा था इस बार पूरा भयंकर बंजर पहाड़ लद्दाख मुझे लग रहा पूरा पानी पानी बरसात के समय यहाँ पे कितना अच्छा लगता है ना। वही तो, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है बरसात के लिए यहाँ पे। ये झाड़ देखो तो बस हम पहुंच गए हैं, क्या करेंगे फिर यहाँ पे बैठेंगे। मंदिर है और आगे चलना है ना, और आगे क्या है? नेशनल पार्क। तो अपने को रुकना कहाँ है? चलो जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक चलो। अरे मंदिर अंदर नहीं है, नेशनल पार्क कहाँ है? तो आगे आगे और आगे तो उसके लिए ये आगे है। हम लोग यहाँ पे बंदर भी है यहाँ पे, तो मंदिर देखो, मंदिर देखना है तो मान मंदिर प्रशांत धाम चपराड़ा तो बहुत ही फेमस मंदिर है। साथ में हमारे साथ नंदी बैल भी चल रहे हैं, नंदी गाय। तो यहाँ पे मंदिर है, बहुत गर्मी लग रही है, फिर हम दर्शन करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट घूम लेते हैं। हाँ जी चलो, अब हम सब पहुंच गए हैं। इतने डेढ़ घंटे का स्ट्रगल करने के बाद हम फाइनली चपराड़ा पहुंच गए। चपराड़ा पहुंच गए, कहाँ गए? मैं तो यहीं। से हाय, से हाय, हम पहुंच गए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। चपराड़ा। तो यहाँ पे आपको फूल वगैरह भी मिल सकता है, प्रसाद का सामान रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कुछ सामान भी ले सकते हैं जो भी आपको लेने का है। ये देखिए, ये देखिए हल्दी कुमकुम वगैरह सब मिल सकता है यहाँ पे। शिवलिंग कितने क्यूट से छोटे छोटे शिवलिंग अपने पास है। ये मार्केट टक्कू के वाला मोबाइल ले दो जाला, टक्कू के पास फोन लगा रही, चल टक्कू के वाला मोबाइल ले दो जाला। पहले की याद है, धूम मचाले धूम मचाले। हमारा ये छोटा सा मार्केट, यहाँ पे आप कुछ भी सामान यहाँ से ले सकते हो। तो ये देखिए मार्केट, छोटी सी प्लेस लेकिन बहुत ही ज्यादा क्यूट सी है। तो यहाँ पे हमारे मंदिर के दर्शन हो गए, तो हमने सोचा देखते हैं अंदर ये जंगल के अंदर और क्या है। तो हम चल रहे हैं, देखते हैं हमें और क्या मिल सकता है यहाँ देखने के लिए। झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई है आदि मानव के टाइम की, और सामने मुझे लग रहा है नदी का संगम वगैरह हो सकता है। निसर्ग परिचय केंद्र चपराड़ा,
शायद अंदर जा सकते हैं तो देखेंगे। सो ये देखिए, हम संगम देखने आए थे लेकिन संगम तो पूरे पेड़ से भरा हुआ है, यहाँ तो हमें दूर दूर तक संगम नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पेड़ आ गया है। यहाँ पे रेती देखो कितनी सारी है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन रेती है, मस्त प्लास्टर वाले, यहाँ पे सिर्फ रेत रेती नजर आएंगी। रेती कितनी अच्छी है लेकिन पानी नहीं है इसलिए यहाँ पे खेलने के लिए बढ़िया शाम हो जाए ना, तो वहाँ खेलने के लिए मस्त बच्चों के लिए पानी। चलो नदी के पास चलेंगे, एकदम बढ़िया चलेंगे। चलो पिंकु को नहीं जाने, तो यहाँ तो धूप लग रही है मस्त, नदी में अच्छा लगे नदी में। चलो ना धूप लग रही है, हम नहीं खेलते, कैंपिंग करने जा रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये गोवा का वाइब ले रहा है पूरा, ये गोवा का वाइब ले रहे हैं। ये जो रेत अच्छी लग रही है यहाँ की ना, सेम गोवा में ऐसी है समुद्र, ऐसे चलने में पूरा स्ट्रगल होगा, इतनी रेती वहाँ समुद्र की वो। और ये देखिए बोटिंग भी है, पेड़ पौधे कितने लग रहे, ये क्या मुझे तो लग रहा है ये उसके पेड़, ये पेड़ देखो वाह कितना अच्छा क्यूट सा नजारा है यार यहाँ पे। कहाँ तक चल चलते, चलो करेंगे, चलो बोटिंग करेंगे, आ जाओ बोटिंग करेंगे, हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आ जाओ, बड़े 50 चल अच्छा लगेगा, आ जा घुमा देंगे पूरा, आ जा तू अकेले रहेंगे, आ जा रहे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, हम यहाँ पे बोटिंग भी कर लेते हैं जब इतने दूर आए हुए हैं। तो ये रहा यहाँ पे पीछे बोटिंग, और हम बोटिंग करते हैं थोड़ा सा, यहाँ का वाइब लेते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ का पूरा नज़ारा ना मुझे हल्का हल्का सा गोवा वाला रेगिस्तान वाला ऐसा ऐसा नज़ारा आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके फिलहाल। तो यहाँ पे आना सही रहा, वो भी ये वाले पॉइंट में, कुछ तो एक अच्छा सा हमारा आएगा नज़ारा, कितना सुंदर है। काका जी चढ़ने के लिए अच्छे से लगाओ क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है एक, दिक्कत नहीं होना चाहिए चढ़ने वाले, ना ना एकदम ऊपर तक लगा दो उसको। यार अपने पास सेफ्टी जैकेट भी तो नहीं है यार, हाँ माँ वैनगंगा की जय हो। ये हम चल पड़े अपने सफारी की ओर, मैं क्या करूँ मतलब इतने बड़े बड़े लेक में बैठ चुके, ये लेक का ये छोटा सा बैठने में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, खड़ी मतलब उतना नहीं कि इंसान डूब जाए, डूब जाए कि मोटी जमीन में दिख रही है अभी। विदाउट लाइफ जैकेट वी आर सिटिंग हियर, नेवी बहुत ये नाव बहुत हेवी है ना, तो दिक्कत नहीं है, हेवी लोग भी तो सनग्लासेस नहीं लाए यार। थैंक यू सी हियर, अक्षय कुमार मेरे से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बेबी तुम क्या कर रहे हो, अरे वीडियो लेना मेरा। चला हम लोग इतने सारे लेक में वगैरह हम गए हैं लेकिन ये वाला एक बैठने का व्यू ही बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर जाएंगे, इधर आ जाएंगे ना, चलो ठीक, उस साइड भी ले जाओगे क्या, बढ़िया जबरदस्त, बहुत दूर से आए हम लोग, 2000 का पेट्रोल लगा के नाव में बैठने आपकी, 3 घंटा ट्रैवल करके सिर्फ नाव में बैठने के लिए आए हैं, जिसमें मछली है छोटी छोटी सी, पैसा वसूल हो गया, हाँ यहाँ बैठ के कुछ तो मिल गया, कुछ तो मिल गया, वही तो अभी ऐसा लग रहा था क्या है यहाँ पे आ गए हम, वाओ चपरा चपरा जिंदाबाद जा, मेरे को मैन वर्सेस वाइल्ड की फीलिंग आ रही है, नाव में नहीं फर्क पड़ता मेरा, तो देखा आस पास चट्टाने हैं ही, कुछ जाने का फट से अगर लग रहा है तो वैसा कैसा लगा, लेकिन अरे कुछ नहीं है इतना, देखना नजारे देखो, ये देखो कितना क्लियर पानी और पत्थर वगैरह देखो आप यहाँ के, पानी को भी लग के बड़े बड़े पत्थर फ्लड के टाइम पे बह रहे होंगे वाला भी घूरने के, चप्पू चलाने वाला चलाते थे। ये देखो हम आइलैंड के बीच में हम अपनी बोटिंग कर रहे हैं,
का हुआ बेटे, का हुआ, का हुआ मेरे बच्चे, का हुआ? चुप रहे। वाओ, सो सैटिस्फाइंग। थोड़ा सा साला धूप कम होती है। हाँ। पत्थर है? कछुआ है क्या? नहीं पत्थर है। पत्थर है? कछुआ टाइप दिख रहा है। कितना अच्छा ना, वहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ यहाँ पे पहाड़। कछुआ टाइप दिख रहा है लेकिन नहीं कछुआ ही हो? नहीं जी पापू, पत्थर है। पत्थर है? हम्म। ये कछुआ टाइप दिख रहा है। देखो क्या भाई, लव स्टोरी हटा दिए ना तो फिर बाकी के पार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। वो जो आइसबर्ग से टकराती, ये देखो ये यही जमीन है बेटा। Look at this beautiful नजारा। कहाँ दुकान में? तो चलिए अब हम घूम भी लिए हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है हमें। क्या कहते हैं, सफारी करके, पैदल सफारी करके, और वो जो छोटा सा आपको लेक नजर आता है उसकी सफारी करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। बस आज के लिए इतना, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।